नीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत वसई पूर्व के वालिस पुलिस स्टेशन व क्राइम ब्रांच ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति को शराब के नशे में धुत करके पहाड़ी से धक्का मारकर नीचे फेंका, मगर उसके बावजूद जब उसके प्राण पखेरु नहीं उड़े तो रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या का केस मान रही थी, लेकिन वाली पुलिस ने जब उसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या करवाई। वाली पुलिस स्टेशन के अंदर वागराल पाड़ा यहाँ पे 30 तारीख को घटना हुई है, 30 मार्च को, जिसमें मयत सुनील कुमार दुबे है, उसकी पत्नी ने और उसका पत्नी का प्रियकर जो संजय कुमार प्रसाद चंद्रेश्वर प्रसाद है, इन्होंने मिलके उनके पर्सनल प्रेम संबंध के हिसाब से वो मयत जो है सुनील कुमार दुबे उसको गले में रस्सी से फांसी, मतलब गला फांसी दे के उसको ऊपर से पहाड़ी से नीचे ढकल दिया है। इसमें उसको हेड इंजरी और स्ट्रैंगुलेशन होने के कारण वहाँ पे पोस्टमार्टम में ये घटना सामने आई और पुलिस ने इसमें इंक्वायरी करने के बाद वो आरोपी जो है और उसकी जो पत्नी है मयत की, उन्होंने दोनों ने भी ये कबूल किया है कि हमने प्रेम संबंध में उसको गला गला रस्सी से बांध के उसको मारा और पहाड़ी से नीचे फेंका है। तो इसके बारे में वाली पुलिस स्टेशन में मर्डर का गुनाह दाखिल हुआ है, ये दोनों आरोपी को अरेस्ट कर दिया है और ये केस में वाली पुलिस स्टेशन के जो प्रभारी अधिकारी है कैलाश बर्वे, उनके क्राइम इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और डिटेक्शन स्टाफ और जो है ऑफिसर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इन्होंने वो आरोपी पहले ना ही बोल रहे थे हमने किया नहीं ये बारे में, लेकिन उन्होंने डीप में इंक्वायरी करने के बाद ये कबूल कर दिया है। कितने लोग अरेस्ट है सर इसमें अभी तक? दो लोग, उसकी पत्नी मयत की पत्नी जो है मुन्नी देवी और आरोपी जो मेन आरोपी है संजय कुमार चंद्रेश्वर प्रसाद, इन दोनों को अरेस्ट किया हुआ है और आज कोर्ट में रिमांड के लिए पेशी कर रहे हैं।